मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानप्रिया। ये चार चीजें घर के दरवाजे पर लगाने से खुल जाएगी आपकी किस्मत। वास्तु का है जीवन में बहुत महत्व, घर में लाएगी सुख समृद्धि। माना जाता है कि ज्योतिष के उपायों का जीवन में खास महत्व होता है। ऐसे में हिंदू वास्तु शास्त्र को तो महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन साथ ही चीन के वास्तु को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वास्तु तत्वों का आविष्कार चीन में किया गया है। बताया जाता है कि चीन का वास्तु जीवन में खुशियां दिलाने में मदद करता है। ऐसे ही कुछ उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आपके जीवन में खुशियां तो आएंगी ही, साथ ही आपकी किस्मत भी खुल जाएगी। फेंग शुई में ऐसे कई उपायों के बारे में जिक्र किया गया है, जिससे अगर व्यक्ति अपने जीवन में अपनाए तो घर में सुख समृद्धि के साथ साथ खुशियों का आगमन भी जरूर होता है। आइए आपको बताते हैं उन उपायों के बारे में। बताया जाता है कि फेंग शुई के अनुसार घर के दरवाजे पर यदि ये चार चीज़ें लगाते हैं तो आपकी किस्मत बदलने में देर नहीं लगेगी, साथ ही आपके घर की दरिद्रता भी दूर हो जाएगी। इनमें पहली चीज़ है विंड चाइम। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर विंड चाइम ज़रूर लटकाना चाहिए, क्योंकि इसे लटकाने से घर पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार शुरू हो जाता है। बांस का पौधा। बांस के पौधे को सुख व समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस कारण से बांस के पौधे को घर के मुख्य कमरे के पूर्वी हिस्से में लगाना बहुत शुभ होता है, और साथ ही इससे घर में आने वाली नेगेटिविटी का नाश भी होता है। मछलियों का जोड़ा। मछलियों के जोड़े को घर पर टांगने से धन में इजाफा होता है, और इसी के साथ फेंग शुई के अनुसार ये शुभ और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। चीनी सिक्के। अगर आपको पैसे की कमी रहती है तो घर के मुख्य दरवाजे पर चीनी के सिक्कों को लटकाना चाहिए, और इन सिक्कों को लाल रंग के रिबन में ही टांग देंगे तो सही रहेगा। तो ये थी कुछ चीज़ें, जैसे चीनी सिक्के, मछलियों का जोड़ा, बांस का पौधा और विंड चाइम। ये तो वो चार चीज़ें हैं जो फेंग शुई के अनुसार घर के दरवाजे पर लगाने से आपके घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और आपकी किस्मत भी बदल जाएगी, और आपके घर में सुख समृद्धि के साथ खुशियों का आगमन भी ज़रूर होगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।